महाभारत में सिर्फ एक शकुनी था, मगर कांग्रेस में तो हर तरफ शकुनी ही शकुनी है। बेचारा अकेला अभिमन्यु कैसे बचेगा। एक कांग्रेसी का दूसरे कांग्रेसी पर कसा गया ये तंज आपको जरूर याद होगा। ये उस समय की बात है जब चुनावों में मिली बैक टू बैक हार से विचलित कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में थी। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं के बीच मंथन इसी बात को लेकर चल रहा था कि आखिर कमियों को कैसे भरा जाए। राहुल गांधी पार्टी की कमान लेने को तैयार नहीं थे और पार्टी के नेता राहुल गांधी की जगह किसी और को देखना नहीं चाह रहे थे। और इसी बीच जब कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बोला कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए, उनके इसी बयान पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेसी खेमे से एक नेता ने उनकी तुलना महाभारत के शकुनी से कर दी। और आज यही शकुनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। मोदी का खौफ क्या होता है ये दुनिया को बता रहे हैं, हिंदुत्व की शक्ति क्या होती है ये दुनिया को बता रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोद ने मोदी जी को अद्वितीय और अद्भुत प्रधानमंत्री बताया। बकायदा ट्वीट करते हुए कहते हैं, जीवेम शरदम शतम एवं भवेम शरदम शतम के सुभाषीष के साथ भारत के अद्भुत और अद्वितीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। तो पीएम मोदी को अद्भुत और अद्वितीय बताने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह डाला, मोदी का खौफ कहो या हिंदुत्व की शक्ति, आपके विधायक अमानतुल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई नेता भी बोलने को तैयार नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ये ट्वीट ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में रहते हुए भी उनका मन पीएम मोदी की ओर झुकता है। समाज में बतौर अध्यात्म गुरु अपनी एक पहचान बनाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम एक हिंदू हैं और दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। एक दौर वो था जब मोदी विरोधियों में इनकी गिनती होती थी और एक आज का समय है जब पीएम मोदी की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी के फेवर में दिख रहे हों। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो पीएम मोदी के समर्थन में नजर आए थे। बकायदा ट्वीट कर ये कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और मैं प्रधानमंत्री की बात से सहमत हूँ, विपक्ष को भी देना चाहिए साथ। कहते हैं संत समाज में आने वाला शख्स अध्यात्म की दुनिया से आता है और जिस कारण उसे आने वाले समय में क्या हो सकता है इसका भी आभास हो जाता है। और शायद आचार्य प्रमोद कृष्णम ये जान गए हैं कि आने वाला समय भी मोदी का है। 24 के चुनाव में पीएम मोदी के आगे कोई टिक पाता है या नहीं, इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा टिक सकता है तो उसमें ये तीन गुण होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी और पॉपुलैरिटी। ऐसे में विपक्षी खेमे में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं जिसमें ये तीनों चीजें नजर आती हो। डंगे की चोट पर कांग्रेस से होते हुए भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बोल चुके हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और ऐसे में उनको हल्के में लेना हर किसी के लिए बेवकूफी है। भारत जोड़ो आंदोलन से कांग्रेस ने तो 24 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। हालांकि अब की बार की चुनावी लड़ाई किस पर होगी इसको लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम भविष्यवाणी कर चुके हैं। प्रमोद कृष्णम ने साफ कर दिया है 24 का चुनाव राष्ट्र और धर्म के नाम पर होगा। तो देखा आपने, देश का संत समाज तो पहले से ही मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर चुका है और अब कांग्रेस खेमे के साधु संत भी मोदी के आगे किसी को देख नहीं पा रहे हैं। साथियों, शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी आवश्यक है कि हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ती है, नागरिकों के बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है। वरना हमने तो देखा है लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्यों तो अपने घर का कचरा साफ करके बगल वाले के घर के सामने डाल देते हैं, फिर बगल वाला जब कूड़ा कचरा साफ करता है तो वो उठा करके इस घर के सामने डाल देता है। अब ये आदत कौन बदलेगा जी? हमने नागरिकों के स्वभाव को बदलना होगा, बिजली बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, पानी बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, समय पर टैक्स भरने की आदत डालनी पड़ेगी, गंदगी न करने की आदत डालनी पड़ेगी, स्वच्छता और सुशोभन का आग्रह करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, और आप वहां के काउंसिलर, वहां के मेयर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए,
निबंध स्पर्धा हो, रंगोली स्पर्धा हो, बच्चों की रैलियां हो, कविताओं का सम्मेलन हो, स्वच्छता पर कविताएं हो, ऐसे भांति भांति के जन जागरण के कार्यक्रम करने चाहिए। दीवारों पर अच्छी तरह से उसको लिखा, अब जैसे बगीचे होते हैं, मुझे बताइए बगीचों को संभालने का जवाब गांव के नागरिकों का है कि नहीं है? क्योंकि हमने तो तय किया नहीं, म्यूनिसिपालिटी के दो आदमी होंगे वो समझी नहीं, हमें जो लोग डेली बगीचे में आते हैं उनकी कमेटी बना देनी चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि भाई वहां एक टेम्पररी ऐसे बोर्ड लगाने की व्यवस्था की हो कि भाई उस इलाके के जो बच्चे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे तो चलो भाई शनिवार शाम को 6 से 7 यहां पर उनके ड्राइंग डिस्प्ले करेंगे, कोई अच्छे कविताएं लिखते हैं तो चलो भाई रविवार शाम को यहां पर कविता का पाठ बगीचे के अंदर सब नौजवानों को बुला करके करेंगे। हमारे बगीचों को जिंदा बना देना चाहिए, हमारे शहर की आत्मा के रूप में जागृत बना देना चाहिए, तो बगीचा भी अच्छा रहेगा। सरकारी खर्चे की जरूरत है, वही अपना संभालेंगे बगीचा, वही सोचेंगे भाई ये तो हमारी जगह है, इसमें हम गंदगी नहीं होने देंगे, पेड़ पौधे को टूटने नहीं देंगे। हमें नेतृत्व देना होगा। सब काम पैसों से होता ऐसा नहीं है जी, अधिकतम काम जन सामान्य के समर्थन से होते हैं, और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जितना ध्यान देते हैं उतना परिणाम मिलता है। और हमने तो देखा है स्वच्छता के विषय को देश ने उठा लिया, पूरे देश के हर घर के अंदर छोटा बच्चा भी स्वच्छता की बात करने लग गया। हमारे शहर में भी कूड़ा कचरा, गीला कचरा को कहां होगा, सूखा कचरा कहां होगा, उसको उठाने की व्यवस्था होगी। हम जितनी ज्यादा लोगों की आदतें बदलने के लिए आग्रही बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे नागरिकों को मिलता रहता है। हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, उसका आगे चल के काम में उपयोग हो गया। अब मैं एक बात बताता, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, जाता तो होम मिनिस्ट्री लगाती है, पुलिस के लोग करते हैं, लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरा हम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों को कह सकते हैं कि भाई आपका प्राइवेट जो सीसीटीवी है एक कैमरा घर के बाहर भी देखने के लिए रखो, कितने सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बिना खर्चे हो जाएगा। अच्छा अभी हम क्या करते हैं सीसीटीवी कैमरा का उपयोग क्राइम डिटेक्शन के लिए करते हैं, अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो भी सीसीटीवी कैमरा का उपयोग हो सकता है, स्वच्छता के लोग काम करने वाले समय पर आए कि नहीं आए वो भी सीसीटीवी से देखा जा सकता है, एक ही चीज का मल्टीपल उपयोग कैसे हो। अब आपने देखा कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं, उन्हें भी मल्टीपल यूटिलिटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और इसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आपका अच्छा सा मकान है, घर के पास बढ़िया महंगी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अगर परिवार में ढंग ढेर से कुछ चीजें नहीं है, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, सोफा का ठिकाना नहीं, चेयर का ठिकाना नहीं, कोई भी व्यक्ति आएगा उसके वो कार देख करके उसको अच्छा लगेगा, अंदर वो गंदा देख करके बुरा लगेगा, वो आपके घर की छवि कहाँ से ले जाएगा? आपने कैसा व्यवस्था रखी उस पर कर जाएगा, आपका रहन सहन कैसा है, हमारे शहर की छवि भी हम कैसे रहन सहन रखते हैं इस पर निर्भर करता है। और इसलिए हमें सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन, मैं तो लगातार कहता हूं हर बोर्ड में हर महीने सिटी ब्यूटी कंपटीशन होते रहना चाहिए और इनाम घोषित होना चाहिए। इस बार चलो भाई 13 नंबर का वार्ड ब्यूटिफिकेशन में आगे आया, 20 नंबर का वार्ड आया, 25 नंबर का वार्ड आया, लगातार स्पर्धा चलनी चाहिए, नागरिकों के बीच में स्पर्धा खड़ी होनी चाहिए, सिटी ब्यूटी कंपटीशन ये शहर का स्वभाव बनना चाहिए, और दुनिया में नाम तब होता है ना। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें शहर को व्यवस्थित भी रखना है, शहर को सुंदर भी रखना है, उन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना होता है। अब देखिए ये जयपुर पिंक सिटी, दुनिया भर के टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, क्या कारण है भाई?
किसी ने तो पिंक सिटी बनाया, हमारा आनंद कभी देखेंगे वो क्रीम सिटी के रूप में उन्होंने प्रयास किया है, तो धीरे धीरे उसकी एक पहचान बन जाएगी। अब आप भोपाल की पहचान क्या लोग कहेंगे, भाई तो झीलों का शहर है। यानी किसी ने कुछ न कुछ किया है, प्लानिंग किया है, तब जाकर के उस शहर की पहचान बनी है। कि आपने तय किया है कि भाई मेरे शहर ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए उसकी पहचान बनेगी, और लोगों को भी लगेगा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप इसको लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं।